Don't forget to like, comment, share and subscribe and turn on your notification. कि इस कदर बैरूनी और अंदरूनी कर्जों के बोझ तले दब गए हैं जिसकी वजह से मईशत का ये हाल हुआ और आर्मी चीफ साहब को ये भी बयान देना पड़ गया। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है वो नक्शा हम ना भूलें कि जब 1999 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को फारिग किया गया था तो ये रिजर्व में क्या छोड़ के गए थे, 300 मिलियन डॉलर ये छोड़ के गए थे। और उससे पहले जो ड्रामा हुआ था, मुल्क सवारो कर्ज उतारो, और हमारे और आपके सबके छोटे से बड़े जो फॉरेन अकाउंट्स थे वो जब्त कर लिया गया और उसमें से पैसा लेके जेबों में डाल गए। कौन सा मुल्क संवरा और कौन सा कर्जा उतरा था उस वक्त, ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री ना भूले। आज जो सिचुएशन है वो ये है कि जहां तक कर्जों का ताल्लुक है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में एक कर्जों की कुछ पोजिशन इस तरह की है कि 50 साल में ये कर्जे जो थे तकरीबन 40-42 के करीब थे, और जब से ये एक 90 की दिहाई में ये मेरी बारी और तेरी बारी वाले लोग आए, यही दो हुकूमतें पीपीपी और पीएमएलएन, और उसके बाद फिर 2008 से लेकर 2017 अब आगे और 18 82 अरब डॉलर तक। ये बैरूनी की बात कर रही हूँ, अंदरूनी कर्जे जो उन्होंने प्राइवेट बैंक से लिए वो 15 अरब डॉलर है। नहीं नहीं, वो तो अंदरूनी तो खैर बहुत बेशुमार हैं, चले वो अंदरूनी हो गया, मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं बैरूनी कर्जों की, वो तो हमने डॉलर्स में देने हैं ना, ये तो यहाँ नोट छाप लेंगे आप हर तरह की जो है दो नंबरी करेंगे, मगर वो जो कर्जे हैं यो जो 40 साल में कर्जा एक तरफ बना वो इन दोनों हुकूमतों ने मिलकर इसको डबल कर दिया इन 20 साल में, तो एक तरफ 50 साल और एक तरफ ये 20 साल, ये है कर्जों की सूरत हाल। ये एक अंबार है, ये पहाड़ है जिसका बहुत बड़ा बोझ है। इस वक्त जो आपकी सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है, और ये कह रहे हैं जी हमारे इमेज में जो है दुनिया में खराबी पैदा करने जा रहे हैं। आपके इमेज में हम क्या खराबी पैदा करेंगे, जो IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो कह रही है कि आपका खसारा 12% से 16% पे चला गया, और वो कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी के हालात बड़े मखदूश हैं। ये कोई पाकिस्तान नहीं बात कर रहा, ये इंटरनेशनल इमेज बन चुका। और अब आप ये कह रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल इमेज ना खराब करो, और वो जो दो उन्होंने मिसालें दी, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत मिसालें हैं। वो दो मिसालें, एक तरफ वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं और जस्टिफाई करना चाहते हैं डॉन लीक्स के किस्से को। डॉन लीक्स में आपने अपनी फौज पर तीर बरसाए और कहा कि हम दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं और हमें फौज नहीं खत्म करने दे रही। और जहां तक ये दूसरे मामले की इन्होंने बात की, अब भी ये वही बात कर रहे हैं, और जिसके ऊपर हमारी फौज के सरबराह भी कह चुके कि हम डू मोर नहीं करेंगे, और हमारे वजीर खारजा जो है बाहर जाकर कहते हैं कि हमने डू मोर करना है। आज चेयरमैन पीटीआई ने तो कह दिया ये डॉन लीक्स का तसलसल है, एहसन इकबाल साहब का ये बयान, ये पीटीआई चेयरमैन, ये तसलसल है, ये बिल्कुल है, ये दोनों मिसालें बिल्कुल बेजा हैं, ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है जो असलियत है। तो बात यह है कि ये अदारों में, और तीसरी तरफ जो इस वक्त मामला है उसको रुकावट डालना वाली जो बात है वो तो बिल्कुल तसादम और कन्फ्रंटेशन की तरफ आपको लेकर जा रहा है। तो इस वक्त जो मंसूबाबंदी है वो सारी ऐसी है कि किसी ना किसी तरह इस सारे मामले को लटकाया जाए। इस दौरान हम किसी से जंग भी करनी पड़े अपने इदारों से, हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी सारे का सारा एफर्ट इस बात पे है कि हमने इसको रोकना है, हमने जो जुराइम है वो नहीं अपने ऊपर लगने देने, हमने फैसले की तरफ नहीं इसको लेकर जाना, उसके लिए खा कुछ भी हमें करना पड़े हम करने को तैयार हैं। लिहाजा वो लड़ाई लेने को तैयार है, साहब के लिए तैयार, आज तक तो फौज को अटैक करने के लिए तैयार हैं। सही, आज तक तो नवाज शरीफ साहब ये पूछ रहे हैं ना कि मुझे क्यों निकाला। लगता है कि अब आवाम को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि महंगाई करके हमें कर्जों के बोझ तले दबा के हमारी जेबों पर डाका आखिर आप लोगों ने क्यों डाला। अब तो आवाम को इन लोगों से ये सवाल करना चाहिए। आज DG ISPR ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ी उन्होंने इम्पॉर्टेंट एक बात की, मैं चाहूंगी उनका एक शॉर्ट सुनवाऊं, फिर इस पर जरा बात करते हैं। उमर जरा प्लीज प्ले। अगर हमारा इन्हिसार बोरोड इकोनॉमी पे होगा, ये प्लीज ये बात देखेगा कि अगर हमारी इकोनॉमी का दारोमदार बोरोड इकोनॉमी पे होगा तो फिर हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन के डिसीजंस हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। अगर हमारी इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन्ड होगी, बेहतर होगी, तो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी। एट टाइम्स जब आपकी डिपेंडेंस बाहर के ऊपर है तो आपके इंटरनल डिसीजन भी मुतासर होते हैं।
बात बिल्कुल ठीक की लाली साहब, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि जाहिर है जिनसे आप कर्जे लेंगे सिक्योरिटी के मामलों पर कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। कितना इम्पोर्टेंट उन्होंने आज ये बयान दिया है हिलाली साहब। हाँ ये मगर शाजिया बिल्कुल सही है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है इट्स ऑलमोस्ट ट्रूइज्म। यस बिल्कुल सही, जाहिर है कि अगर आपका मैशी हालत नाजुक है तो हाउ कैन यू कर्जों पर मुनहसर है। कर्जों की बात की ना ये मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमने परसों जब हम उधर थे इस सेमिनार में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमने बड़े पॉजिटिव फ्रेमवर्क में हमने चैलेंजेस हैं जो इस गवर्नमेंट के लिए आइडेंटिफाई किए थे। व्हेन आई से हम, मैं तो पार्टिसिपेंट नहीं था, मैंने जो लोग पोडियम पे जाके बात कर रहे थे, 3 टॉप पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इन लॉ, और हमने इनको बहुत मदद दिया है। माने कि हमने फिर नॉट ओनली दैट, हमने इनकरेज किया इनको, हमने उनको कहा है कि है बड़े प्रॉब्लम्स, तुम्हारी मिसहैंडलिंग हो रही है, डेट इज एक्सप्लोडिंग, डेट लेवल्स को नीचे करो, और अगर इश्यूज आर नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, हाँ तकलीफ में होंगे मगर फिर भी आप बच सकते हैं, टैक्स बेस जो है बहुत छोड़ा है बड़ा करो, बिजली जो 12 रुपया है, 100 मिल्स पंजाब में क्लोज हुए हैं रोज शादिया बिकॉज इस प्रोग्राम को कुछ लोग देखते हैं। जब मैं क्लब में जाता हूं और मैं कराची में सिंध क्लब में जाता हूं, लोग आके कहते हैं ये प्लीज मेहरबानी से कहें कि खुदा के लिए बिजली का कुछ कहें, गैस का करें, पैसे कम करें, स्टॉप योर इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज किलिंग। देखिए हाँ इस सेमिनार में हर चीज आइडेंटिफाई हुआ है, और इसलिए कि इट वॉज हैंडल्ड बाई ISPR, जो लोग आके एक्चुअली कंप्लेन करना चाहते थे और इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन को बताना चाहते थे, वो भी थोड़े से झिझक आ गई उनमें कि भाई ऐसी चीजें हम करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ इनको शर्मिंदा करने के लिए हम करें। मगर एवरीबॉडी चीफ फेडरेशन का चेयरमैन शर्मिंदा था, कह रहा था कि हम कर सके, आज वो कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हम मिले 2 घंटे के लिए, कल जब वो आया था कुछ चीज का इफ्तिताह करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको कहा और पूछा बताएं हमें हम कितना कम करना चाहिए बिजली का प्राइस सो दैट आपके जो मिल्स बंद हो रहे हैं वो ना बिल्ड हो, आप हमें बताएं, वो उसने कहा बासी ने उनको, आप हमें बताएं एट व्हाट प्राइस वी शुड सेल बिजली। देखिए ये तो मैं मीरो इट्स केओस। फाइनेंस मिनिस्टर जिसको सवाल के जवाब देना था वो जेल की तैयारी कर रहा है। ये साहब नेशनल डेवलपमेंट के जरूर होंगे, वो अमेरिका में बैठे हुए। देखिए मैं थोड़ा सा ये भी कह दूं आपको, हालांकि उसके लफ्ज गलत थे और उसको इस ख्याल और सोच से नहीं कहना था, मैं समझता हूं वो वर्ल्ड बैंक के अंदर बैठा हुआ था, वर्ल्ड बैंक के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था, अपनी इकोनॉमिक हैंडलिंग को डिफेंड कर रहा था। जब ये स्टेटमेंट आया होगा या बयान आया होगा कि एक बहुत बड़े सेमिनार में वो तो जो आप कह रहे हैं वो तो लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है, ही मस्ट हैव बीन एम्बैरस्ड। मैं आई सिंपथाइज विद हिम, मगर बात असल ये तो आप है कि जब दुनिया को आपके हालात का पता ना हो, दुनिया जब ऑलरेडी सब जानती है आपकी मैशत पर सवाल आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो खुद उठा रहे हैं भाई, तो किसको आप कह रहे हैं इमेज खराब करें, क्या बकवास कर रहे हैं इन लोग के अनडेमोक्रेटिक, क्या किया है जो अनडेमोक्रेटिक है फौज। हम तो समझते हैं कि फौज ने भी एक ओहदा लिया है, एक हलफ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। चलो भाई अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, इंसाफ तो दो, तो कौन देगा इंसाफ। तो कहने की बात यह है जिधर देखे देखे, अभी एक वो क्या है वो अकाउंटेबिलिटी वो क्या था जी, वो जमान साहब क्या नाम था उनका, चौधरी कमर जमान जो साहब थे, जी, चौधरी कमर जमान टू अब आ गए हैं इधर, तो क्या इंसाफ आदमी भाई, करप्शन को पकड़ो। जैसे आप करप्शन बड़े मच्छी को पकड़ेंगे आप देखेंगे कि लोगों का रवैया बदलेगा, मगर आप तो नंबर टू करा वो तो आप तो ये करना ही नहीं चाहते। जिन लोगों को आपने पकड़ना है उनसे तो आपने अपॉइंटमेंट ली है, ओहदा लिया है उनसे, यार हाउ कैन दिस वर्क। और आप कहते हैं कि हम लोग तो सब बैठे हुए सोच रहे थे कि शुक्र है कि एक इम्पार्शियल बॉडी कोई इंटरेस्ट ले रहा है
इन समथिंग अदर देन फाइटिंग. इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब जो अफसर हैं जो फौज में होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कोर्सेज, इनकी यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऐसे होते हैं कि अब मुझे कहना पड़ रहा है कि एक जमाने में हम सिविल सर्वेंट सीएसपी और पीएफएस अपने आप को बहुत बड़े समझते थे. 15 लोग